सभी विधायक ढूंढ रहे अपनी आईडी, कल सुबह जयपुर से शिफ्ट होंगे विधायक। नाश्ता और बैठक के बाद होगी शिफ्टिंग, चार्टर से किए जाएंगे विधायकों को शिफ्ट और विधायकों को अंतिम समय पर बताई जाएगी जगह। सभी विधायकों को बस तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, जिन विधायकों को वहां पर रखा गया उनको भी अंतिम वक्त पर यह बताया जाएगा कि उनको कहां लेकर जा रहा है, लेकिन क्या यह तय हो चला है कि चार्टर प्लेन के जरिए उनकी शिफ्टिंग की जाएगी राजस्थान के अंदर या राजस्थान के बाहर कहीं पर? विजेंद्र, बिल्कुल संकेत जो है वो इसी तरह के हैं कि कल सुबह जब विधायक दल की बैठक होगी और तमाम विधायक नाश्ते के साथ बैठेंगे, उसके बाद इनको यहाँ से शिफ्ट करने की योजना है। और चूंकि जहाँ तक शिफ्टिंग की बात है तो देखिए, ये शिफ्टिंग राजस्थान में होगी, राजस्थान के बाहर नहीं ले जा रहे विधायकों को। संभल से या जैसलमेर है या उदयपुर है, ये वैकल्पिक जगह तलाशी गई है, लेकिन ये सुबह ही विधायकों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन तमाम विधायकों को अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया, साथ में आईडी रखने के लिए कहा है। तो देखिए, आईडी की जरूरत तभी पड़ती है जब चार्टर से उनकी शिफ्टिंग हो रही होगी। ऐसे में इस बात के अनुमान लगाया जा रहा है कि चार्टर से इन विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। और चूंकि लगातार विधायक पिछले 20-21 दिन से इसी होटल में है, तो उन्होंने भी मांग की थी कि आउटिंग के हिसाब से उनको दूसरी जगह ले जाया जाए। ऐसे में आज इस बात के संकेत मिले थे कि अब इनको कल जयपुर से शिफ्ट किया जा सकता है। जी, लेकिन नरेश, सवाल ये है, क्या कोई राजस्थान का हिस्सा जयपुर से भी ज्यादा इस मामले में महफूज हो सकता है? देखिए, राजस्थान तो प्रदेश के विधायकों के लिए महफूज ही है, चाहे वो जयपुर की बात करें या कहीं अन्य जिले की बात करें, क्योंकि विधायक तमाम विधायक कई दिनों से एक ही जगह एक ही होटल में रह रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा मौसम का बदलाव के हिसाब से कह सकते हैं, आउटिंग के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगले 14 अगस्त तक इन विधायकों को अभी बाड़ेबंदी में ही रहना है। ऐसे में इस तरह की विचार बना था कि विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, और तमाम विकल्पों पर विचार जो है वो लगातार किया जा रहा है। देर रात तक फाइनल भी हो जाएगा और कल सुबह विधायकों को बता दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विधायकों को अलग मोड पर रहने के लिए कहा गया है कि जब बताएं तो तैयार रहें, और उसके बाद कल जब विधायक दल की बैठक होगी सुबह 10-11 बजे के लगभग, तो उसके बाद माना जा रहा है कि दोपहर बाद विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। नरेश, क्या इसके अंदर बसपा विधायक भी शामिल होंगे, निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे? देखिए, बसपा का फिलहाल कोई विधायक नहीं है अभी जल्द, जितने भी विधायक है वो कांग्रेस के हैं, निर्दलीय है, बीजेपी के हैं। वो विधायक आप जिनकी बात करो बसपा में पहले थे, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के ही है वो, और वो विधायक भी सभी जो विधायक जो अभी कैंप में है वो तमाम विधायक जाएंगे। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल सुबह जयपुर से शिफ्ट होंगी विधायक और नाश्ता और बैठक के बाद ये शिफ्टिंग की जाएगी, लेकिन कहां की जाएगी इस बारे में विधायकों को अभी तक नहीं बताया गया, एन वक्त पर उनको बताया जाएगा। मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिसका जिक्र हम 8 बजे के आसपास कर रहे थे कि विधायकों की शिफ्टिंग की जाएगी, बाड़मेर जैसलमेर की जा सकती है, कहीं और भी की जा सकती है, लेकिन अब ये लगभग तय है कि शिफ्टिंग की जाएगी, कारण इसके पीछे का आपसे जानना चाहेंगे। देखिए विजेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरी शिफ्टिंग का पूरी प्रक्रिया, क्योंकि ये जरूरी हो गया अब कांग्रेस कैंप के लिए। जब बात अनलिमिटेड खरीद फरोख की सामने आ जाए, जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा, तो उसके बाद अब एहतियात बरतना बहुत आवश्यक हो गया। यही कारण है कि इस एहतियात के कारण ही तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। और जैसा कि हमने जिक्र किया, दो बड़े शहरों का बाड़मेर जैसलमेर, तो जो मालानी का अंचल है वहीं पर ले जाने की बात अब तक सामने आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में ये गतिविधि देखने को मिल सकती है। जी, कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होगी उसके बाद उसमें रणनीति बनेगी, और उस रणनीति के बाद शिफ्टिंग की जो बात है वो औपचारिक तौर पर सामने आई। अभी तो जो सोर्सेज से जो खबर मिल रही है वो यही है कि चार्टर का भी उपयोग हो सकता है, और सुदूर ले जाने की बात जयपुर से, जहाँ काफी दूरी हो, 14 तारीख तक वहीं पर, वहीं मतलब 14 से उनको वापसी उनकी विधानसभा के अंदर ही सीधे तौर पर कराई जाए। बिल्कुल, तो शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे